आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। जनरली बहुत सारे बच्चों को या बड़ों को भी पेट में मरोड़ चलती है, और जब मरोड़ चलती है और पेट में काटता है तो असहनीय दर्द होता है। कई बच्चों को लूज मोशन होते हैं, कई बच्चों को पेट साफ नहीं होता, कई बच्चों को भूख नहीं लगती, ये इस तरह की समस्याएं आए दिन आती रहती है। तो ये घर की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने से पहले यदि आप 2-3 दिन मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं उसका उपयोग करेंगे तो आपको आराम मिलेगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि 18 साल और उससे बड़ी उम्र के बच्चे हैं या महिलाएं पुरुष हैं तो 8 लौंग और 8 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री, और यदि 15 साल और उससे छोटे बच्चे बच्ची हैं या 18 साल से छोटे बच्चे बच्ची हैं कोई भी, और बहुत छोटे हैं 6-7 साल के 5 साल के, तो 4-5 तुलसी के पत्ते और 4-5 लौंग थोड़ी सी मिश्री 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, और पानी आधा रह जाए तब छान करके उनको पिला देना है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वे लोग लंच से 10 मिनट पहले, खाना खाने से 10 मिनट पहले गुनगुना गुनगुना इसको ले लें, उबाल लें अच्छे से 1 गिलास पानी, आधा पानी रह जाए और छान करके और वो ठंडा करके गुनगुना गुनगुना पी लें। इससे उनको आराम मिलेगा, भूख भी लगेगी और जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट भी होगा। इसी तरह से बच्चों की उल्टी दस्त वगैरह की समस्या से आपको आराम मिलेगा, तो पेट में मरोड़ भी बंद होगी। तो इसलिए ये आप कर सकते हैं, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन ये छोटा सा उपाय बहुत लाभकारी है, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। और क्योंकि ये जो लौंग और तुलसी का पानी है ये आपके जठराग्नि को प्रज्वलित करेगा, तो जठराग्नि यदि प्रज्वलित होगी तो आपका सब खाना पीना आराम से चलेगा। कभी भी एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद न तो आप ठंडा पानी पिए और न ही किसी भी प्रकार की आइसक्रीम खाएं। आजकल एक चलन हो गया है खाना खाने के बाद में जहां पर भी जीवनवार होते हैं और होते हैं तो आइसक्रीम भी होती है, तो खाना खाने के बाद लोग आइसक्रीम खा लेते हैं। पहले तो खाना लेट खाते हैं, फिर ऊपर से खाना खाते ही आइसक्रीम खा लेते हैं। यदि आइसक्रीम खा देंगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, तो आपका खाना जो खाया हुआ है वो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो इसलिए ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो इसके परिणाम बड़े भारी होते हैं, आगे जाकर के आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि एक छोटी सी चीज, छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसका समर्थन जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ये छोटा सा नुस्खा हर किसी को बताएं, हर कोई लाभान्वित हो। धन्यवाद। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, नमस्ते। मेरा नाम रश्मि सुराणा है और मैं अहमदाबाद से हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब कोरोना का एकदम पीक पे था, कोरोना ब्लैक फंगस आया, जब सभी डॉक्टर लोग अपनी दुकान बढ़ाने में चलाने में व्यस्त थे, तब एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे कर्मयोगी डॉक्टर मदन जी मोदी, जो उदयपुर से हैं और जिनकी वो मानवता का मसीहा बन के यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डाल रहे थे जिसमें कोरोना से कैसे बचना है और अगर हो गया कोरोना तब क्या करना है, ब्लैक फंगस किस तरह से हमारे घर में रसोई में हुई सब चीज़ों से हम उनसे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, ऐसे वीडियो डाल रहे थे जिनको क्या कहूँ कि मानवता के वो मसीहा, वो देवता स्वरूप आदमी। मुझे भी कोरोना हो गया था तो मैंने भी एलोपैथिक दवाई ली नहीं, हालांकि डॉक्टर मुझे भी फ़ोन कर करके मुझे भी बोल रहे थे कि आपको ये करना है, ये टेस्ट करना है, वो करना है, लेकिन मुझे मदन जी मोदी डॉक्टर साहब की बातें याद थी। उनसे अहमदाबाद में सेमिनार के दौरान मिलने का मौका मिला तो उनकी सब बातें मेरे दिमाग में थी। मैं भी रसोई घर से ही मैंने वो सब चिकित्सा की और मैं 15 दिन तो रहना ही था अंदर, एकदम अच्छे से स्वस्थ हो गई। तो मुझे तब फील हुआ कि आज हम कितनी गलत राह पे हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए हम एलोपैथी के पास, सब दवाइयों का, डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल के पास भाग रहे हैं, तो बीमारी से ठीक होने का सारा खजाना तो अपनी किचन थेरेपी में ही है। तो डॉक्टर मदन जी मोदी के मैंने और भी वीडियो देखे, मैंने उनसे फ़ायदा उठाया, जैसे स्किन वाला वीडियो, बालों का वीडियो, उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ,
कि अब वो समय चला गया है कि जब हम एलोपैथी पे निर्भर होके और ज्यादा बीमार पड़े, क्यों? एलोपैथी की दवाइयां तो साइड इफेक्ट करती ही है। और मैं एक बात आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि मदन जी मोदी के वीडियो में कभी बड़े बड़े वादे नहीं होते हैं। आप देखिए वीडियो कोई भी, इतने बड़े बड़े वादे सेंसेशनल बनाए होते हैं कि आप 5 दिन ये करिए 7 किलो आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन जब खोलते हैं वीडियो सुनते हैं कुछ भी नहीं होता। तो डॉक्टर मदन जी मोदी की वीडियो की खास बात है, कभी कोई बड़े वादे नहीं किए होते हैं, इनमें एकदम सच्चाई होती है, एकदम डाउन टू अर्थ इनकी बातें हैं। तो आप सभी से मेरा ऐसा निवेदन है कि इनके वीडियो को देखिए, समझिए और करिए और स्वस्थ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ डॉक्टर मदन जी मोदी को, जो इस उम्र के मोड़ पर भी इतने कर्मठ भाव से, इतने सेवा भावी भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं। जय जिनेंद्र।